हेलो बच्चों, क्या हालचाल। तो मैं लेके आया हूँ आंकिक प्रश्न इकाई 1, कृषि विज्ञान। मैंने कृषि बहुत की है जब जलवायु विज्ञान के लिए। तो बेटा ये है आज पार्ट 2। इसमें हम जो है जो आपके इकाई 1 के जो बचे हुए टॉपिक्स के आंकिक प्रश्न करेंगे। जैसा कि बच्चों आपको मालूम है, पार्ट 1 में मैंने आपसे वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज एवं विमाओं के ऊपर आंकिक प्रश्न किए थे। आज हम करेंगे बेटा प्रॉब्लम्स बलों का संयोजन, बलों का वियोजन, और तीसरा है बेटा जो है बल आघूर्ण, बलयुग्म का बल आघूर्ण। ये तीन जो है टॉपिक पे आपको प्रॉब्लम्स करनी है। देखिए, प्रॉब्लम्स करने के लिए आप जो है इस टाइप से मत कीजिए कि आपने कोई मॉडल पेपर या कोई जो है बुक जो ले ली और आप जो पढ़ रहे हैं उसे सब क्वेश्चन नंबर मान लीजिए कि दो बल 10 10 न्यूटन और 8 न्यूटन के किसी बिंदु पर कार्य कर रहे हैं, उनके बीच में 40 डिग्री का कोण है, तो जो है उन बलों का परिणामी बल ज्ञात कीजिए। तो आपने सब उसका आंसर देखा आजकल, तो जो मतलब ज्यादातर बुक में जो है सॉल्यूशन भी रहते हैं, तो आंसर आपने देखा F1 की वैल्यू इतने न्यूटन, इसकी वैल्यू इतने न्यूटन, सूत्र ये होता है और ये सब कॉस थीटा और ये सब सूत्र सा रखा और ये आंसर आ गया, सब आ गया। इस टाइप से अगर आपने किया तो बेटा आपसे कोई भी आंकिक प्रश्न नहीं होगा। ये आपके लिए जो है आपके साथ जो है धोखा हो रहा है, ये आप चीटिंग कर रहे हैं। आपको करना क्या है, आपने क्वेश्चन सा लिखा, क्वेश्चन के आंसर को आप छिपा लीजिए। अब आप जो है अपनी ओर से जो है ट्राई कीजिए, एक बार ट्राई कीजिए, दो बार ट्राई कीजिए, चार बार कीजिए, पांच बार कीजिए, जब तक आपसे होए ना जो आप क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। एक टाइम ऐसा आएगा क्वेश्चन आपसे हो जाएगा, फिर आप सॉल्यूशन को देखो कि बेटा जो कहां जो है मैंने कैसे किया और उसमें कैसे है। तो आप देखेंगे कि जो मैंने किया वो तो बहुत आसान मेथड था, इसमें तो लॉन्ग है मेथड। बेटा मैथमेटिक्स द स्लेव ऑफ फिजिक्स, आपको जो है एक ही जो है प्रॉब्लम को सोल्व करने के कई सारे मेथड हैं, कई सारे मेथड से हो सकता है बुक का मेथड जो है आपसे ज्यादा सब है ना मुश्किल हो, आपका मेथड बहुत ज्यादा आसान है। तो आप देखेंगे कि कई कई जो सब मेथड आपने सीख लिए। तो इस प्रकार से आपको प्रॉब्लम करनी है, ऐसा नहीं करना कि सब प्रॉब्लम को पढ़ा उसका सोल्यूशन सब पढ़ा हिंदी की तरह और आपने उसका आंसर लेके आया। तो बेटा देखिए, तो प्रॉब्लम जो करने के लिए सबसे मेन चीज है कि आपको सूत्र मालूम होना चाहिए। मान लीजिए दो कोई बल हैं, एक बेटा F1 है दूसरा F2 है, उनके बीच का एंगल थीटा है। मान लीजिए इनका आपको जो है परिणामी बल ज्ञात करना है, तो परिणामी बल मान लीजिए FB है, तो इसका सूत्र बिल्कुल स्पष्ट है F1 square plus F2 square plus 2 F1 F2 cos theta का पूरे का बल। अब आप देखो बेटा यहां जो है कितने टर्म आपको दिए हुए हैं, देखो F1 की वैल्यू है, F2 की वैल्यू है, थीटा की वैल्यू है और बेटा FP, चार वेरिएबल हैं। चार में से किन्हीं भी तीन की वैल्यू दे देगा तो चौथी वैल्यू आ जाएगी, तो बार बार बदल बदल की है ना, कभी तीन की दे देगा इसकी पूछेगा, कभी दो की दे देगा इसे पूछेगा, कभी इनकी दे देगा, तो इस टाइप से पूछेगा। ठीक है, तो पहले जो करते हैं चलो स्टार्ट बलों के। अच्छा चलो देख लो, इसी भी जो है इसमें क्या होता है बलों का। अच्छा है, अगर इनका मुझे जो परिणामी बल का डायरेक्शन भी खींचना होता है तो बेटा इसका बना देते हैं पैरेललोग्राम और यहां से खींच दिया आपने जो है इसका विकर्ण। तो यहां से एंगल मान लो ये बीटा है, तो ये टेन जो है बीटा, ये इसका जो है परिणामी बल की डायरेक्शन होगी। अगर इसका जो मालूम करना है F1 के साथ कितने एंगल पर बना रहा है, तो टेन बीटा का सूत्र होता है ये B sin थीटा F2 sin थीटा F1 plus F2 cos थीटा, ये बेटा इसका सूत्र होता है। ठीक है, अब देखिए तो यहां भी जो है आपको जो F1 F2 और थीटा तीन और एक बीटा, तीन में से कोई सी चार है, चार में से कोई सी तीन वैल्यू नहीं होगी, चौथी का कैलकुलेट करना बहुत आसान हो जाएगा। अब देखिए बात करते हैं बलों के वियोजन की। तो बेटा इसमें क्या करते हैं, इसमें कोई भी जो एक वेक्टर है, मान लीजिए वेक्टर r है,
तो इसके दो जो है घटक होते हैं, एक होता है बेटा क्षैतिज घटक जो इसके साथ मान लीजिए एंगल बना रहा थीटा, इसकी वैल्यू रहती है आर कॉस थीटा। एक होता है ऊर्ध्व घटक, इसका वैल्यू होता है आर साइन थीटा। तो बेटा ऊर्ध्व घटक और जो है एक क्या होगा ऊर्ध्व घटक, ऊर्ध्व घटक ठीक बेटा, एक क्या होगा क्षैतिज घटक। अब यहां भी एक दो तीन, एक दो तीन, तीन में से किसी दो की वैल्यू देगा और तीसरे की वैल्यू पूछ लेगा कौन से की वैल्यू देगा, वो एग्जाम में ऊपर है। बल जो आर गुण देखो इसे दिखाते हैं टाउ से, टाउ क्या होता है आर एफ साइन थीटा। ज्यादातर केस में थीटा की वैल्यू रहेगी 90-95% क्वेश्चन आएंगे तो सीधे सीधे टाउ की वैल्यू आर इंटू एफ। थीटा क्या है आर और एफ के बीच का कोण है, आर जो है दूरी है ना लंबवत दूरी और ये एफ बल है, तो R और F का से गुणांक करना है। तो अगर मान लो यहाँ वैसे तो चार हो गए, चार में से तीन की देगा चौथी पूछेगा बिल्कुल सेम है, यहाँ तीन ही है मान लीजिए है ना लंबवत जो है आपका बल लग रहा है दूरी के, तो जो है यहाँ जो है इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू देगा, इन तीनों में से किसी दो की वैल्यू देगा, तीसरे की वैल्यू पूछेगा। आप लोग इस बात को बहुत आसानी से समझ रहे होंगे बेटा, बताओ किसी को प्रॉब्लम तो बेटा इसे छाप लो जो है, और हम अब जो है स्टार्ट करते हैं बलों के संयोजन पर बेस्ड प्रॉब्लम। तो देखो बेटा क्वेश्चन कैसे कैसे आई है एग्जाम, देखो मैं प्रॉब्लम को सब पढ़ रहा हूं तो आप बहुत ध्यान से जो है क्वेश्चन को समझो। देखिए क्वेश्चन नंबर है ना, पिछली बार कितने करा दिए थे मैंने जो है, तो है ना, तो चलो हम प्रॉब्लम नंबर एक से करते हैं स्टार्ट यहां भी। तो बेटा क्वेश्चन ऐसे, सबसे पहला क्वेश्चन देखो, एक 5 न्यूटन और दूसरा 3 न्यूटन का बल जो है किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, तो कब वस्तु का परिणामी बल, परिणामी बल, परिणामी बल बेटा पूछा गया है कि मतलब अधिकतम होगा और कब परिणामी बल न्यूनतम होगा। तो देखो यहां से मुझे सूत्र मालूम है, और परिणामी बल कब ज्यादा होगा जब इस जो है थीटा की वैल्यू कोस थीटा की वैल्यू सबसे ज्यादा रहेगी, तो कोस थीटा की सबसे ज्यादा वैल्यू होती है 1, तो 1 का मतलब थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0। तो जब जो है दोनों सब बलों के बीच में एंगल जो है 0 होगा तब जो है आपका परिणामी बल अधिकतम होगा। सारी चीजें सूत्र से आई, फिजिक्स में हर चीज जो है आप एक फॉर्मूले की सहायता से ड्राइव कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। अब न्यूनतम कब होगा जब कोस थीटा की वैल्यू कम होगी, कोस थीटा की कम वैल्यू कितनी होती है माइनस वन कितने को होता है 180 पे। तो जब जो है दो एंगल एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में, जब दो बल एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में होंगे तब जो है आपका जो परिणामी बल न्यूनतम होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा कि साहब परिणामी बल जो मैक्सिमम है अधिकतम है और जो न्यूनतम है उसका मान भी बताओ, तो सीधे सीधे देखो यहां से क्या जाएगा, मैक्सिमम बल क्या होता है F1+F2, ये देखो अधिकतम बल F1+F2, तो 5+3 सीधे सीधे जोड़ दो 8 न्यूटन। देखो फिजिक्स वाले बिना न्यूट के बात नहीं करते। अब देखिए न्यूनतम बल, न्यूनतम बल क्या होता है F1-F2 बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर दो, तो ये क्या हो गया 5-3, 2 न्यूटन, बिल्कुल बच्चा क्लास का क्वेश्चन है। अब बेटा इसमें अगर वो पूछ ले कि परिणामी बल की डायरेक्शन कहाँ होगी, तो ये तो जो है दोनों का डायरेक्शन सेम है तो सब उसी डायरेक्शन में होगी, लेकिन यहाँ किस ओर होगी, यहाँ जो बड़ा वाला वेक्टर है उसकी ओर होगी 5 न्यूटन की ओर, इसकी डायरेक्शन होगी। देखो बेटा ठीक है, यहाँ पर देखो किसी को प्रॉब्लम। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, अब सर इसी में बोल रहा है कि दो समान बल का परिणाम कब शून्य होगा, तो दो समान बल हैं इनका परिणाम शून्य कब होगा जब इनके बीच में एंगल 180 हो, और है ना, तो अगर एंगल 180 होगा तो दोनों माइनस हो जाते हैं, F1-F2 और F1-F2 दोनों इक्वल है, F है जो 0 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, अब वो सर कह रहा है कि मान लीजिए जो है ना चैलेंज इस पोर्शन, देखो चलो यहां
मान ली कह रहा है कि जो है 3 न्यूटन व 4 न्यूटन एक दूसरे के लंबवत कार्य कर रहे हैं, तो उनका परिणामी बल क्या होगा और उसकी डायरेक्शन ही बताओ। परिणामी बल व उसकी परिणामी बल की बेटा डायरेक्शन बताओ। तो देखो परिणामी बल का सूत्र यहां से लगाओ, तो FP = पहले सूत्र को लिखोगे आप पूरा जो, उसके बाद वैल्यू करनी है। तो 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर + 2 F1 F2 cos 90। cos 90 वैल्यू आजकल बेटा क्या हो रही है, जीरो। तो ये तो टर्म पूरा जीरो हो गया, बताओ किसी कोई प्रॉब्लम। 3 3 = 9 + 4 4 = 16, क्या हो गया √25 = 5 न्यूटन। 5 न्यूटन परिणामी बल आ गया इसका जो। अब पूछ रहा है डायरेक्शन कहाँ होगी, है ना। तो आप लोगों को मालूम है डायरेक्शन के लिए क्या होगा, मान लीजिए वो 3 न्यूटन के बल के साथ बीटा कोण बना रहा है, तो बेटा 10 बीटा क्या होता है, देखो वहां है सूत्र जो है F2 = 4 sin 90/3 + 4 cos 90। cos 90 जीरो तो बेटा खल्लास हो गया, sin 91 तो ये क्या हो गया 4/3। तो सीधे सीधे आप ये रखो यार, इसका डायरेक्ट सूत्र रखो, अगर थीटा की वैल्यू 90 है तो F2/F1 हो गया। तो F2/F1 मींस बीटा की वैल्यू कितनी होगी, 10 इनवर्स बोलते हैं इसे बेटा, 4/3। ये इतना आंसर आप करके आ सकते हो, बताओ बेटा किसी को प्रॉब्लम, छापो जल्दी से। ठीक है, अब कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। हटाए बेटा, अब देखिए एक एक क्वेश्चन बहुत आया है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 6 है। देखो ये क्वेश्चन आ रहा है बहुत, कि जो है मान लीजिए कोई दो जो है बल हैं उनके परिमाण भी समान हैं और इनका जो परिणामी बल है वो भी साहब इन बलों के परिमाण के समान है, मतलब दोनों बल और दोनों बल का परिणामी सदिश ये दोनों इक्वल है, बराबर है, मान लीजिए एक्स है। तो पूछ रहा है कि F1 व F2 के बीच का कोण बताओ, बहुत ही आया क्वेश्चन। तो बेटा सूत्र लिख लो, FT² = F1² + F2² (2F1F2cos θ). cos θ की वैल्यू लेके आनी है, तो देखो FT का वैल्यू x² + x² + 2x × x² cos θ। अब देखो x² यहां पर क्या, 2x² + 2x² cos θ, है ना। अब ये देखो अभी साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, देखो अब ये जो है ऐसे कर लो x² - 2x² / 2x² = cos θ। ये क्या हो गया -x² / 2x² क्या गया cos θ। अब देखो बेटा यहां देखो तो cos θ की वैल्यू कितनी आ गई, -1/2, है ना। -1/2 कितने पे होती है, 120 पे होती है, तो थीटा की वैल्यू 120 आ गई। आपको इसी सा क्वेश्चन को अभी एक साल कैसे सा पूछा गया कि दो जो है वेक्टर है इक्वल है, वेक्टर इक्वल बल है, मान लो x है और उनके बीच का एंगल 120 है, तो FT का वैल्यू बताओ, इनके परिणामी सदिश का मान बताओ। तो सीधे सीधे है ना, फिर क्या करना है आपको, है ना, छाप लो इसे, इसे ही बना देता हूँ क्वेश्चन नंबर 7, है ना। चलो इसे मत तो कंफ्यूज हो जाओगे, तो मैं ऐसा करता हूँ इससे पहले कर देता हूँ रफ, है ना। अब देखो अब क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर, तो ये सूत्र आपको मालूम है। अब यहाँ पे दे रहा है ऑलरेडी 120 और FT की वैल्यू पूछी है, तो FT² हो गया बेटा। देखो कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, FT² ये कितना हो गया 120। अब कॉस जो 120 बेटा कितना आता है, 2x² + 2x² cos 120 - 1/2, 2 से 2 कैंसिल, क्या हो जाएगा x² = FT² = x² = FT = x,
वही से वही से आ गया। जब दोनों जो है इक्वल वेक्टर के बीच में 120 अंश का कोण होगा तो परिणामी बल का भी परिमाण समान आएगा, या दोनों बल और उनके पर है ना परिणामी बल का परिमाण समान है तो जो है दोनों बलों के बीच में 120 डिग्री का ही कोण होगा। दैट्स द ब्यूटी ऑफ द वेक्टर्स। बेटा ये जो है सिर्फ वेक्टर्स में ही पॉसिबल है कि इक्वल वेक्टर को जोड़ रहे हैं तब भी सही इक्वली आंसर आ रहा है। दैट्स द ब्यूटी ऑफ द वेक्टर्स। ओके, तो इस टाइप से प्रॉब्लम आया। अब बेटा कुछ बात कर लेते हैं बलों के वियोजन की जो है, तो उसमें कहा है कि कोई जो है मान ली 60 जो न्यूटन का बल है 36 के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है, तो इसका 36 घटक और इसका जो ऊर्ध्व घटक ज्ञात कीजिए। तो ऐसे सर देगा तो है ना, तो बेटा आपको जो है आर की वैल्यू दे दी है 60 और थीटा की वैल्यू दे दी है 30। अब पूछ रहा है आपसे क्षैतिज घटक, तो क्षैतिज घटक क्या हो जाएगा बेटा आर कॉस थीटा, तो आर का वैल्यू 60 और थीटा का वैल्यू जो है 30 कॉस 30, तो 60 इंटू कॉस 30 का मान मान बताओ बेटा, कॉस 30 की वैल्यू √3। तो ये बेटा देखो r cos थीटा, r का वैल्यू cos जो सर 30 की वैल्यू क्या होती है बेटा √3/2, तो यहां से सर 30 √3, तो 30 √3 भी आप एग्जाम में छूट जा सकते हैं, या √3 की वैल्यू आप रख दो 1.73। ठीक है बेटा, अब पूछ रहे हैं आपसे ऊर्ध्व घटक, घटक क्या होता है आर साइन थीटा होता है, तो आर की वैल्यू 60 इंटू साइन 30, साइन 30 वैल्यू बेटा कितनी होती है 1/2, तो क्या हो गया 30 न्यूटन आंसर आ गया। तो है तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं, बिल्कुल बच्चा क्लास के क्वेश्चन है। अब देखो बेटा बल जो आगुर, बल जो आगुर वाला आपने प्रॉब्लम देखा जो है मेनली जो है प्रॉब्लम कहाँ आया, ये क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा, कौन सा है क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 8 है ना देख लेना बेटा आप जो है अपना क्वेश्चन नंबर। अब इसमें सब पूछा गया है कि जो है मान लीजिए जो है चाकी के लिए देखते हैं, इसमें एक क्वेश्चन आया था मेरे पास है नोट वो क्वेश्चन, ठीक है ऐसे आया, एक कुम्हार के चाक में गड्ढा तिलक से, एक कुमार के चार में देखा गड्ढा कील जो है उससे सब 50 सेंटीमीटर है, ये सब जो है मतलब पिछले साल ही आया क्वेश्चन बेटा, 50 सेंटीमीटर की दूरी पर है, एवं पूछा गड्ढे में डंडा अब लगाकर कुम्हार उस पर 40 न्यूटन का बल अप्लाई करता है, 40 न्यूटन का बल अप्लाई करता है, तो कीलक पर आरोपित बल आघूर्ण का मान ज्ञात कीजिए, है ना। तो बेटा यहाँ पर थीटा 90 रहेगा, तो बल आघूर्ण क्या होता है आर गुणा है, तो आर की वैल्यू 40। अब देखो इसे बेटा मीटर में चेंज करना पड़ेगा, गलती बच्चों से होती है, देखो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है लेकिन बच्चे क्या करके आ रहे हैं गलत, आपको सभी जो है एक ही सिस्टम में लेना है, तो ये सेंटीमीटर है ये तो आपका एमकेएस है, तो इसे भी एमकेएस में करना पड़ेगा तभी आंसर सही आएगा, वरना आंसर गलत आ जाएगा, तो इस बात को आप ध्यान रखो, है ना। आप एक बार सुन लीजिए, आंकिक प्रश्न जब भी आपको करने हैं तो सारी वैल्यू एक ही सिस्टम ऑफ मेजरमेंट में आपको रखनी है, टेम्पो माइनस 2 मीटर, ठीक है, रखो तो यहाँ 50 × 10^2 माइनस 20 × 10^2, तो ये यहाँ से कैंसिल आउट किया, तो 20 न्यूटन मीटर। देखो फिजिक्स वाले बिना जो है मात्रक के बात नहीं करते, तो अगर एग्जाम में आप न्यूटन मीटर लिखे नहीं आ रहे तो जो है मतलब एग्जामिनर कोई निर्देश होता है कि आप जो है उसके बच्चे के आधा नंबर काट लीजिए, तो 20 न्यूटन मीटर इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए एक और जो आया है कि एक कमरे के बाहर खड़ा व्यक्ति एक जो सा मतलब तिवार को खोल रहा है बेटा, है ना, तिवार को खोल रहा है, तो खोलने के लिए किवाड़ के अक्ष से दूरी दी हुई 0.5 मीटर, किवाड़ के अक्ष से 0.5 मीटर की दूरी पर 4.5 न्यूटन बल, मान लो ये R1 है L1, इतना न्यूटन बल लगा रहा है,
अब पूछ रहा है कमरे के अंदर खड़ा व्यक्ति, एक तो बाहर है, बाहर से सब है ना खींच रहा है इतनी दूरी से और इतना बल जो सप्लाई करके, एक क्या कर रहा है उसे खींच रहा है अंदर से, जो है अंदर से खड़ा है ना खड़ा व्यक्ति किवाड़ के अच्छे से, और उसकी दूरी कितनी है आर टू वैल्यू 0.3 मीटर की दूरी पर, 0.30 मीटर की दूरी पर कितना बल अब लगाकर किवाड़ को बंद रख सकेगा, कितना बल लगाकर किवाड़ को बंद रख सकेगा। तो दोनों ही केस में बेटा टाव वन और टाव टू दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो आर वन एफ वन इक्वल टू आर टू एफ टू, पूछ रहा है बेटा रख दो 0.50 इंटू 4.5, आर टू की वैल्यू 0.30, देखो बेटा मीटर में है, मीटर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एफ टू। अब देखो ये जो 100 का मल्टीप्लाई किया तो ये कैंसिल आउट, जीरो से जीरो हट गया, ठीक है। इसे हटाओ 3 से 1.500 दिया 45, तो एफ टू की वैल्यू क्या होगी 1.5 × 5 7.5 मीटर। देखो बेटा यहाँ आर की वैल्यू ज्यादा है वो, तो एफ की वैल्यू कम होगी, यहाँ आर की वैल्यू कम है तो एफ की वैल्यू हो जाएगी ज्यादा हो जाएगी, तो 7.5 न्यूटन आंसर आ गया, ठीक है। तो यही इसका आंसर है। तो बेटा इस टाइप का जो प्रॉब्लम भी पूछते हैं है ना एग्जाम में, कि जो है मतलब कुम्हार का चाक है तो उसका उस जो है गोले से जो हत्ता है उसे क्या रखते हैं, दूर रखते हैं, ये आपकी जो डोर है डोर को बंद या खोलने के लिए जो हत्ता है उसकी जो एक्सेस है घूर्णन अक्ष उससे है ना मतलब अधिकतम दूरी पर रखते हैं। अधिकतम दूरी पर क्यों रखते हैं बेटा, अगर दूरी जो ज्यादा होगी तो कम बल लगा के ही उसे घुमाया जा सकता है। तो बच्चों इस टाइप से जो है यही सब प्रॉब्लम है आपके, इसमें बिल्कुल बच्चा क्लास के हैं, तो आई थिंक ये जो है इकाई एक आपको अच्छे से तैयार हो चुका होगा, सारे आंकिक प्रश्न आपको समझ तैयार हो गए, इसी टाइप से आएगा। कभी भी कोई आंकिक प्रश्न आएगा तो आप उसका सूत्र देखो, उसमें देखो कितनी जो है अज्ञात भौतिक राशि है, उसमें से एक को छोड़ के सबकी वैल्यू देगा तभी तो आंसर आ पाएगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा आपके लिए। तो आप बेटा इसकी प्रैक्टिस कीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में लिखो, जो है आप जो है हमसे से जुड़े रहो और चीज़ें आपकी करते रहो। आपका परीक्षा फल बहुत अच्छा है इसी उम्मीद के साथ। ओके बच्चों, धन्यवाद, हैव ए नाइस डे।